दोस्तों कहावत ऐसी है कि हाथी जब कीचड़ में गिरता है तो चींटी भी उसके ऊपर हंस के आगे बढ़ जाती है। किसी देश को छोटा या बड़ा कहना सही बात नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमी के वॉल्यूम और साइज के हिसाब से बांग्लादेश और इंडिया में बहुत बड़ा फर्क हुआ करता था एक जमाने में। लेकिन कोविड के कीचड़ ने इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी को भी जमीन पे लाके खड़ा कर दिया है, ऐसा लग रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF के डेटा के हिसाब से 2020 में GDP ग्रोथ पर कैपिटा के हिसाब से बांग्लादेश इंडिया को पीछे छोड़ देगी। ये दोनों देशों का हिस्ट्री में पहली बार होते हुए दिखाई दे रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरा सच क्या है, कितना हेडलाइंस ग्रैबिंग है ये न्यूज़ और असल में सच्चाई क्या होगी। लेकिन उसके लिए मेरा पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। और जो लोग नए आए हैं मेरी चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकें। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है वो डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए लिंक पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को प्रमोट करिए, ये लिंक सेंड करिए और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। पहले हम डेटा देख लेते हैं IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO के हिसाब से GDP पर कैपिटा बांग्लादेश का 2020 के एंड तक 4% ग्रो करके $1,888 होगा और इंडिया का GDP पर कैपिटा 2020 के एंड तक ये डॉलर में होगा 1,877 होने की उम्मीद हम रख सकते हैं। इंडिया का ये रिकॉर्ड 10.5% का डिक्लाइन का प्रेडिक्शन से पूरी देश की जनता में काफ़ी सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ भी हो मगर बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री जो 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ है वो कैसे इंडिया के पीछे छोड़ सकती है। तो फिर पहले ही देखते हैं कि ये प्रेडिक्शन यानी प्रेजेंट डेटा को देखते हुए IMF के सिचुएशन ने ऐसा कहा है कि ये नंबर ऐसे हो सकते हैं। और एक चीज़ भी IMF ने कहा है जो हेडलाइंस में नहीं आई है, इंडिया की GDP पर कैपिटा 2021 में 8.3% के रेट से ग्रो कर सकती है और 2030 तक पहुंच सकती है। और वहीं बांग्लादेश की 2021 की GDP पर कैपिटा 5.4% से ग्रो करके $1,990 तक पहुंच सकती है। यानी 2020 में ये नंबर्स बदल जाएंगे, लेकिन ये भी प्रेडिक्शन है। और एक बात तो सही है कि इन दोनों नंबर्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स के इतने पास कैसे पहुँच गई, बांग्लादेश इतने पास कैसे पहुंच गया, कैसे इंडिया ने अपनी लीड गवाई और क्या इफेक्ट होगा इसके फ्यूचर्स में। दोस्तों आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोरोना वायरस के दौरान किसी कंट्री को सबसे ज़्यादा झटका लगा है तो वो है इंडिया। चाहे वो कोरोना वायरस के पेशेंट हो या फिर इकोनॉमी हो, दोनों तरफ से रिकॉर्ड नंबर से इंडिया को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। लेकिन उसी तरफ बांग्लादेश को कोरोना में बिल्कुल भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता दिखाई दे रहा है। इसका मेन रीज़न है कि चाइना और बांग्लादेश का अच्छा रिलेशन और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट सेक्टर। चाइना और बांग्लादेश का ट्रेड लगभग 15 मिलियन का है, इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड इससे 1/3 है यानी
$4 बिलियन के आसपास है। यानी बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है चाइना से, और इसी वजह से बांग्लादेश पिछले 5 साल में 8 से 9% का GDP ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इंडिया वहीं पे 3.2% ग्रोथ रेट में ही अटक गया है, और यही वजह है कि 2015 में जब इंडिया का GDP बांग्लादेश का 40 टाइम्स हुआ करता था, वही GDP अभी बांग्लादेश से भी कम होने वाला है 2020 के अंत तक। आगे क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी मैदान पे नहीं लड़ी जाएगी, ये या तो डिजिटली या फिर इकोनॉमी लड़ी जाएगी, और हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से ये इकोनॉमिक थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है। चाइना ने इस डिकेड के स्टार्ट से ही पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इंडिया के बॉर्डर देशों में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में चाइना का फंडिंग इतना बढ़ चुका है कि एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब बस एक शेडो गवर्नमेंट ही है, मेन प्लेयर तो चाइना है। श्रीलंका में भी बहुत ऐसा ही सिचुएशन था। बांग्लादेश में भी चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखा था। इस इन्वेस्टमेंट का पहला रिजल्ट था इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। फैशन सेक्टर में बांग्लादेश का वर्कफोर्स का नाम पूरी दुनिया में है, और सबको पता है कि कितने कम खर्चे में वहाँ वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे चाइना के टेक फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, काम कम पेमेंट में डबल ट्रिपल काम कराया जाता है, इसको कहते हैं चीप लेबर। और बांग्लादेश पहले से ही एक बहुत गरीब देश था, उनका 166 मिलियन का पॉपुलेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट करना भी आसान था, और यही मौका चाइना ने ले लिया। और बांग्लादेश ने खुद भी बड़े मेजर US बेस्ड और यूरोप बेस्ड फैशन ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रखे हैं, जहां कुछ दिन पहले भयंकर आग लगी थी और बहुत सारे लोग उनके भी जान से हाथ गंवाई थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत चारों तरफ से एक इकोनॉमिक वार का सामना कर रहा है, जहां सब देश और पड़ोसी उसके बिजनेस और एक्सपोर्ट की टक्कर दे रहे हैं चीपर सर्विस के जरिए, और यही वजह है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में कोरोना लॉकडाउन में भी कमी नहीं आई। जहां इंडिया में पूरा देश बंद कर दिया था, और इसी वजह से देश की इकोनॉमी शायद 9.5% डिक्लाइन में आ गई है, वहीं पर बांग्लादेश का एक्सपोर्ट चालू था और सिर्फ कुछ इंपोर्ट को छोड़कर बाकी सेक्टर्स इफेक्ट नहीं हुए। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश एक छोटी सी साइज का देश है, इसकी काफ़ी सारे चीज़ों को मॉनिटर करना और इम्प्लीमेंट करना आसान है। इसके अलावा लेबर ह्यूमन राइट्स के मामले में चाइना और बांग्लादेश का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, ऐसा कुछ डेटा भी वहां से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और वहां कोरोना का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ है, वर्कफोर्स के हेल्थ पर कितना असर हुआ है वो हमें कुछ नहीं मालूम। सीधी बात यह है कि शायद जान पे खेलकर उन्होंने कोरोना पे अपनी एक्सपोर्ट और बिजनेस को चालू रखा है, और कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी होने की वजह से उसी का फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, अगर देश के स्मॉल बिजनेस की बात की जाए, तो सारे अच्छे स्टेप्स इंडिया ने भी लिए हैं। देखना यह है कि 2021 में इंडिया कैसे बाउंस बैक करती है। सिर्फ जमेलों से पेट नहीं भरता, इंडिया को इकोनॉमी भी चलानी पड़ती है। प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में PSU का हालत खराब है, देश के वर्कफोर्स में बहुत टेंशन है, आज टेंशन है तो कल क्या होगा। NBFC सारे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स सर पे हाथ देके बैठे हुए हैं, क्योंकि लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि इनकम गारंटी नहीं है,
और उसके ऊपर ट्रेडर्स के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जीएसटी भरे तो कैसे भरे? तो चारों तरफ से एक ऐसा वार है इंडिया के इकोनॉमी के खिलाफ कि इंडिया कैसे इसको संभालती है ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। देश में सिर्फ आईटी कंपनीज का बिजनेस चल रहा है और वो कब तक चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। और सब लोग तो आईटी कंपनी में नौकरियां नहीं कर सकते, सब लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर तो नहीं बन सकते। देश की फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस की कितनी जानकारी है ये भी बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से वो प्लान और स्टिमुलस डिज़ाइन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिया को फायदा नहीं हो रहा। तो क्या रास्ता है इसका? क्या देश की जनता को ही अपना उद्धार करना पड़ेगा, खुद को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा? क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? इसका जवाब पाने के लिए हमको इंतजार करना होगा 2020 मार्च तक, और कोरोना को ख़त्म होने तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे धमाकेदार वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, तो मिलते हैं नए वीडियो में।